हाय एंड वेलकम टू सुपर लर्निंग एट होम। रिसेंटली मैंने मनस्व को हिंदी वर्णमाला सिखाई है। आज मैं हिंदी वर्णमाला सिखाने के ही जो सिंपल स्टेप्स मैंने मनस्व के साथ फॉलो किए वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन करना, लेटर्स को दिखाना और इंट्रोड्यूस करना। तो ये मैंने दो सिंपल चीज़ों से किया। एक हिंदी वर्णमाला का चार्ट आता है जो कहीं पर भी आपको इजीली अवेलेबल होगा किसी भी स्टेशनरी में। एंड सेकंड थिंग इज जो हिंदी एक्टिविटी बुक्स आती हैं लेटर ट्रेसिंग की, उसमें लेटर भी बना होता है प्लस ऑब्जेक्ट्स भी बने होते हैं जो लेटर की साउंड से स्टार्ट होते हैं। तो वो मैंने रोज़ 4 डेज तक मनस्व को स्टार्ट किया हमने क से। क से कबूतर, क से कमल, ग से गमला, ग से गणेश। इस तरीके से हम लोगों ने पूरी वर्णमाला कवर करी 4 डेज तक कंटिन्यूसली। 4 डेज के बाद हुआ ये कि मनस्व को लेटर और लेटर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स समझ में आ गए। नेक्स्ट स्टेप था कि उसे लेटर की इमेज इंडिपेंडेंटली पता होनी चाहिए बिना किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प के। मतलब वो सिर्फ कमल देख के ही क नहीं बोल पाए, वो क लेटर को देख के क साउंड बोल पाए और उसका नाम बोल पाए। तो इसे सिखाने के लिए मैंने सिंपल फ्लैप कार्ड्स बनाए उसके लिए, 10x5 सेंटीमीटर्स के छोटे छोटे चार्ट पेपर्स लेके उसको हाफ में फोल्ड कर दिया और ऊपर की साइड पे लेटर लिख दिया और नीचे की साइड पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो उस लेटर से स्टार्ट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल ऊपर मैंने ट लिखा और नीचे टमाटर बना दिया। तो और ये मैंने वॉल पे स्टिक कर दिए इस तरीके से। अब मनस्व को पहले लेटर का नाम बोलना था और उसके बाद उस फ्लैप को ऊपर करके उसका ऑब्जेक्ट देखना था। थोड़े दिनों तक उसने 2-3 दिन तक पहले ऑब्जेक्ट देखा और फिर लेटर का नाम बोला, पर क्योंकि उसे लेटर ओपन करना पड़ता था तो उसकी नज़र बार बार उस अक्षर पे पड़ती थी तो उसे वो मेमोराइज हो गया। एंड इसमें बच्चे का हैंड मूवमेंट भी हो रहा है प्लस उसे इमेजेस भी दिख रही हैं, तो दोनों तरीकों से उसने लर्न किया। नाउ मेरा थर्ड मोटिव ये था कि मैं इसको चेक करूं। तो इसे चेक करने के लिए मैंने उसको सिंपल एक स्क्रबिंग एक्टिविटी करवाई कि सारे लेटर्स जो हैं वो मडी पडल्स में बहुत गंदे हो गए हैं और मैंने उसे स्क्रबर दे दिया। अब इस स्क्रबर से आपको वॉश करना है, बट हम लोग रैंडमली वॉश करेंगे। तो मैं लेटर का नाम बोलती गई और वो उनको स्क्रब करता गया। तो इस एक्टिविटी में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। देन हम लोग रोज़ इस एक्टिविटी को कर रहे हैं 4-5 दिन से। एंड प्लस आप लोग वर्कशीट्स भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल वर्कशीट्स बनी हुई आती हैं आप घर पे बना सकते हैं, लेटर टू लेटर मैचिंग वाली या फिर लेटर टू ऑब्जेक्ट मैचिंग वाली। अब नेक्स्ट स्टेप था फोनोलॉजिकल अवेयरनेस चेक करने का, मतलब वो एक पर्टिकुलर साउंड को दूसरी साउंड से डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि नहीं। इसके लिए मैंने एक सिंपल A4 साइज पेपर पे अक्षर का नाम लिख दिया जैसे कि क, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना दिए और कुछ उसमें से 2-3 ऑब्जेक्ट्स जो थे वो क साउंड से शुरू हो रहे थे। तो अब उसको बाकी सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उनका नाम बोलना था और चेक करना था कि ये इस अक्षर से शुरू होते हैं कि नहीं, तो उसको सर्कल करना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी सारी वर्कशीट्स करी, तो मैंने उसकी अंडरस्टैंडिंग भी चेक कर ली। अब उसे अक्षर तो याद हो गया था, इंडिपेंडेंटली भी याद हो गया था, उसे अक्षर बोलने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेना पड़ रहा था। अब मुझे ज़रूरी था कि मैं उसे फॉर्मेशन सिखाऊं जो कि हिंदी लेटर के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसको करने के लिए मैंने एक सिंपल एक उसका टिफ़िन बॉक्स लिया, कलरफुल टिफ़िन बॉक्स, वाइट नहीं, उसमें सूजी रखी या आटा भी आप रख सकते हैं, और उसको लेटर दिखाया और उसको लेटर ट्रेस करना था अपने हाथों से। धीरे धीरे ये एक्टिविटी करने से उसको फॉर्मेशन समझ में आ गई और अब वो स्टेज पे है कि मैं उसे ट्रेसिंग एक्टिविटी उसके एक्टिविटी बुक में करवाना शुरू करने वाली हूँ। तो ये सिंपल एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई, इसे आप 1, 2, 3, 4 स्टेप्स में करेंगे तो आप 15 डेज में ईजिली अपने बच्चे को वर्णमाला सिखा सकते हैं। सो आई एम श्योर आप ये स्टेप ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए कि आप लोगों को कितना टाइम लगा ये करवाने में। Thank you so much and stay tuned to Super Learning at Home.